इंदौर के कांग्रेस कार्यालय यानी कि गांधी भवन पर बीते 7 दिनों से विशेष तौर पर साज सज्जा व रंग रोगन किया जा रहा है। 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस पर सीएम कमलनाथ यहां झंडा वंदन करने पहुंच रहे हैं। उक्त जानकारी देते हुए इंदौर शहर के कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष विनय बाकलीवाल ने बताया कि किसी सीएम के द्वारा कांग्रेस कार्यालय पर झंडा वंदन करने का मौका 20 साल बाद आया है। एसएमएससीएम के लिए कई तरह के आयोजन यहां रखे गए हैं और गांधी भवन पर खास तौर पर साज सज्जा और रंग रोगन किया जा रहा है। बाकलीवाल के मुताबिक गुरु नानक चौराहे से मच्छी बाजार तक सीएम के आगमन के लिए कारपेट बिछाया जाएगा। वही 10 से 15 हजार लगाए जाएंगे और यात्रा के रूप में सीएम को गांधी भवन तक लाया जाएगा। वहीं इंदौर के गांधी भवन में सीएम के आगमन को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नेताओं में काफी उत्साह नजर आ रहा है। हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी कल हमारे गांधी भवन पर आकर झंडा वंदन करने जा रहे हैं। हम सभी कांग्रेस जन, सभी कांग्रेस नेता, सभी कांग्रेस के साथी लोगों को बड़ा उत्साह है, उमंग है और उल्लास है कि 20 साल बाद हमारी पार्टी के मुख्यमंत्री यहाँ पर झंडा वंदन करने आ रहे हैं। उसके लिए हमने जो तैयारी करीबन लगभग 7 दिन से हमने यहाँ तैयारी शुरू कर दी है। आप देखिए पूरे गांधी भवन पे हमने जो गांधी भवन की हालत ख़राब थी उसको पूरा हमने रंग रोगन करके जीर्णोद्धार कर दिया है। ऊपर अनेक भी कार्य कर दिए हैं। साथ में गुरुद्वारा चौराहे से लेकर मच्छी बाजार चौराहे तक पूरा कारपेट करा जा रहा है। साइड में व्हाइट हाउस बनाया जा रहा है। लगभग 5 से 10 हज़ार गुब्बारे लगाए जाएंगे, तिरंगे लगाए जाएंगे। जब मुख्यमंत्री जी का प्रवेश होगा आगे 11 घोड़े चलेंगे, उसके बाद बैंड रहेगा, वही मुख्यमंत्री जी की कार रहेगी। मुख्यमंत्री जी यहाँ उतरने के बाद गार्ड ऑफ ऑनर लेने के बाद झंडा वंदन करेंगे, राष्ट्रीय गीत होगा, उसके बाद उनका उद्बोधन होगा। ये पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा है। हमारे कांग्रेस जन में बड़ा उत्साह है, उमंग है और मुझे लगभग उम्मीद है कल सैकड़ों की संख्या में हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस जन, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जितने हमारे पदाधिकारी हैं, सब लोग यहाँ उपस्थित होंगे।